हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लाए आपके सामने शबे बारात स्पेशल सूजी का हलवा। आप चाहे तो किसी का भी हलवा बना सकते हैं, न्याज दिलवा सकते हैं। मैंने भी न्याज के लिए बनवाया है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी भी लगता है। ना ज़्यादा घी, ना कोई दूध, ना कुछ, बस थोड़ी ही इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाता है। आप सबको जरूर पसंद आया। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और लाइक को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप मिलते। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है कढ़ाई, इसमें डाल लिया है 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी। इसको अच्छे से गर्म होने के बाद हम सूजी को भून लेंगे। 2 कप करीब यानी 500 ग्राम सूजी ली है मैंने। 1/2 kg का मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा का बना सकते हैं, उसी हिसाब से कम या मीठा या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले तो इसे हम फ्राई करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि पतली वाले के लिए हमें ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। अगर आप ऐसा ही बना रहे हैं डेली बेस के लिए तो ज़्यादा कम इसको भून लें तो भी चलेगा। मैंने इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने बड़ी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था जिससे आसानी से भून सके। जो भी कलर चेंज हो गया इसका और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और एकदम फ्राई हो गई है बढ़िया से। आप चाहें तो ऐसे ही इसको हलवा बना सकते हैं। मैं इसको कतली का शेप दूंगी, इसलिए मैं चाशनी वाला बना रही हूँ। चाशनी हमें अच्छे से बनानी है तभी इसकी कतली जमेंगी। जितना भूनेंगे उतनी ज़्यादा टेस्ट बनकर रेडी होगा। आप सभी घर में खाया जाता होगा और सबको पसंद है। सूजी का हलवा तो बेस्ट है, डेली यूज में भी खाया जाता है। चलाते हैं और बिल्कुल लो हीट पर इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने इसको अलग ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया था। अब लेते हैं कढ़ाई को हम दोबारा से और इसमें डालते हैं 2 गिलास पानी। अच्छे से गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनने में टाइम लगेगा और जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। थोड़ी कम मैंने ली है क्योंकि मीठा सही रहता है और आपको जैसा पसंद है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। चाशनी को भी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें पकाना, तभी हमारी बनकर रेडी होगी। क्योंकि हमें कतली वाला बनाना, उसके लिए चाशनी भी अच्छे से बननी चाहिए। जमाने के लिए चाशनी बनना ज़रूरी है। और इसी स्टेज पर मैंने डाल लिया है 2 से 3 चम्मच भरकर घी, और ज़्यादा घी नहीं लगता, बस थोड़ा ही घी लगता है। बॉयल अच्छे से आ गया, हमारी चाशनी बनकर रेडी हो रही है। इसी स्टेज पर मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था और केसर के धागे, अच्छे से खुशबू आएगी और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम देख लेंगे, चेक करके देख लेंगे। अगर बूंद पर उसकी बूंद बन जाए तो हमारी चाशनी बनकर रेडी, और नहीं बन रही तो हमें और पकाना है। इसमें ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिए थे। चॉप्ड की हुई आधे हमने बचा कर रखे हैं क्योंकि हम गार्निश में हम डालेंगे। अब धीरे धीरे करके हम सारे सूजी को इसमें ऐड करते रहेंगे और चलाते ही रहेंगे तरीके से। कम से नहीं डालना और इसको अच्छे से घोट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी घुटाई, उतनी अच्छी बनकर रेडी होता है हलवा। और डाल दिए हैं इसमें
चिकन मिक्स हो चुका है हमारा। अब तसले में हमने दही लगा लिया था और थोड़े से ड्राई फ्रूट नीचे डाल दिए थे मैंने, और इसके प्याली के ऐसे ही सेट हो जाने तक, ठंडा होने के बाद इसको पतली काटेंगे। 2 घंटे के लिए इसको साइड पर रख दीजिए, तब तक हमारा हलवा हलवा जम जाएगा। उसके बाद हम कतली का शेप दे देंगे और इसको गार्निश कर देंगे हम कद्दूकस के नारियल से और ड्राई फ्रूट से। और काजू जो भी आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास 2-3 तरह के थे तो मैंने सारे चॉप करके इसमें गार्निश कर दिए और बाकी के मैंने पहले ही डाल दिए थे। कुछ सेट होने के लिए एक साइड पर रख देंगे, ठंडा होने के बाद ये खुद अपने आप सेट हो जाएगा। उसके बाद आसानी से हमारी कतली कट जाएंगी। आप चाहें तो इसी स्टेप पर आपको इसको सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त इनका रेडी हुआ है, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा ठंडा हो चुका है, 2 घंटे के बाद मैंने उठा के देखा तो ये हम इस तरीके से ये बराबरी से बराबर में इसको कट करेंगे और सारे कद्दू का हम शेप दे देंगे। मैं खस वाली काटी हूँ, आप चाहें तो सीधी सीधी भी कट सकते हैं। कितना आसानी से कट कर रही हूँ, ठंडा होने के बाद अपने आप सेट हो जाता और आसानी से सारी चीज़ कट जाती हूँ और खुद ही अपने आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से, कितनी प्यारा बनकर बैठ रहा है। उम्मीद आप सबको जरूर पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिए, जरूर बताइए कैसी बनी है आपकी।